वेलकम। इस वीडियो में हम लोग एक सिंपल क्वेश्चन का आंसर करेंगे, दैट इज मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ प्लानिंग, मतलब प्लानिंग के फायदे और नुकसान क्या क्या हैं। तो सबसे पहला मेरिट्स, तो बहुत सारे मेरिट्स है। पहला मेरिट है इट फैसिलिटेट्स एमबीओ मैनेजर प्रिपेयर अ ब्लूप्रिंट ऑफ द कोर्सेस टू बी फॉलोड for the accomplishment of objective, thus it brings order and rationality into the organization. मतलब पहला मेरिट ये है कि ये MBO that is management by objective को प्रेफर करता है या फिर उसको बढ़ावा देता है। यहाँ पे होता क्या है कि मैनेजर जो है क्या क्या करना होगा ऑब्जेक्टिव को accomplish करने के लिए उसका एक blueprint बनाते हैं और इस वजह से order और rationality आता है organization के काम में। अगला मेरिट है प्लानिंग मिनिमाइजेस अनसर्टेनिटी एज इट एंटिसिपेट्स फ्यूचर दस प्रिपेयर्स स्टैंड बाइज फॉर द रिस्क। आपको याद होगा कि प्लानिंग का तीसरा या फिर दूसरा ही स्टेप्स जो था वो था प्लानिंग प्रेमिसेस सेट करना, जिसमें आप एंटिसिपेट करते हैं फ्यूचर के लाइकली एक्शन जो कि हो सकते हैं और उसके लिए बैकअप प्लान बनाते हैं। तो वही है कि प्लानिंग के वजह से अनिश्चितता जो है दैट इज अनसर्टेनिटी जो है वो मिनिमाइज हो जाता है, क्योंकि आप फ्यूचर के बारे में पहले से ही सोच लेते हैं और इसलिए जो रिस्क आ सकते हैं उसके लिए आप स्टैंड बाय भी प्रिपेयर करके रखते हैं। अगला जो मेरिट है वो है कि प्लानिंग इम्प्रूव्स इम्प्लॉयज मोरेल इम्प्लॉयज नो इन एडवांस व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ देम एंड व्हाट दे गेट इन रिटर्न दस इट क्रिएट्स अ हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट। चूंकि आप जो है प्लानिंग करने के बाद एक स्टेप ये होता है कि टेकिंग योर सबऑर्डिनेट्स इनटू कॉन्फिडेंस, मतलब उनको प्लानिंग बताना, उनको कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो उस वजह से होता क्या है कि जो इम्प्लॉयज है उनका मोरल बढ़ जाता है, उनको पहले से ही पता होता है कि उनसे कंपनी क्या चाहती है और उनको यह भी पता होता है कि ये जो काम कर रहे हैं उसके बदले में कंपनी उनको क्या देगी और इस वजह से एक हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट का फॉर्मेशन हो जाता है। अगला स्टेप जो है प्लानिंग में वो ये है कि प्लानिंग फैसिलिटेट्स कंट्रोलिंग। तो मैनेजमेंट का चौथा फंक्शन है PLOC में सी जो कि है कंट्रोलिंग। तो प्लानिंग जो है पहला है लेकिन ये कंट्रोलिंग को हेल्प करता है। ये सिक्के के दो पहलू जैसे हैं, प्लानिंग और कंट्रोलिंग जो है सिक्के के दो पहलू जैसे हैं। तो इसके वजह से होता क्या है कि जब आप एक बार प्लानिंग कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद आप क्या करते हैं, प्लानिंग मतलब क्या, लुकिंग फॉरवर्ड, और कंट्रोलिंग मतलब क्या, लुकिंग बैकवर्ड। तो इससे आप क्या करते हैं कि एक स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस सेट कर देते हैं, काम होने के बाद आप मिलाते हैं कि जो चाहते हैं वो हुआ था कि नहीं। तो ये है कि प्लानिंग फैसिलिटेट्स कंट्रोलिंग। काफी हुआ मेरिट्स, अब देखेंगे डीमेरिट्स क्या क्या है। तो डीमेरिट्स पहला है कि प्लानिंग की वजह से रिजिडिटी आ जाता है। रिजिडिटी मतलब आप पहले से ही जो है कुछ प्लान बना चुके हैं तो लेबर्स को अब उसको दिमाग में रख के ही चलना होता है। जो सबऑर्डिनेट्स आपके हैं जो वो काम को एकम्प्लीस करने वाले हैं कर रहे हैं उनके मन में आपको प्लान को लेके एक ऑलरेडी प्री डिफाइंड वे है, तो ये जो है फ्लेक्सिबिलिटी कमा देता है। तो इट मेक्स एडमिनिस्ट्रेशन इनफ्लेक्सिबल दस डिस्करेज इंडिविजुअल्स इनिशिएटिव एंड एक्सपेरिमेंटेशन। तो ये जो है इंडिविजुअल इनिशिएटिव और एक्सपेरिमेंटेशन को जो है एकदम बाधित कर देता है। अगला जो नुकसान है वो है पर्सनल मिसयूज प्लानिंग से, जो ऐसा कहा जाता है, रूमर्स आर देयर दैट ओविंग टू प्लानिंग द अपर एडमिनिस्ट्रेशन हैज सम पर्सनल मिसयूज। रीजन क्या है कि नो मैटर व्हाट इट इज ऑलवेज बायस्ड। प्लानिंग आप करिए कितना भी साफ मन से कीजिए लेकिन वो हमेशा बायस्ड रहता है। प्लानिंग इज ऑलवेज बायस्ड इंटेंशनली और अनइंटेंशनली, मतलब आप जानबूझ के भी बायसिंग कर सकते हैं या फिर आपसे अनजाने में ही बायसिंग हो गया है, बट बायसिंग हो जाता है क्योंकि हर इंसान का अपना कुछ रुचि है अरुचि है और उस हिसाब से बायसिंग हो जाता है। तो वही लिखा है कि एवरी प्लानर हैज इट्स ओन लाइक्स डिसलाइक प्रेफरेंसेस एंड इंटरेस्ट्स व्हिच इज आउट टू बी रिफ्लेक्टेड इन द प्लानिंग। तो प्लानिंग में वो सभी रुचि अरुचि पसंद नापसंद दिखेगा। तो माना जाता है कि प्लानिंग की वजह से पर्सनल मिसयूज हो जाता है आपको जो अथॉरिटी मिली है उसका। अगला डिमेरिट जो है प्लानिंग का वो है कि इट इज टाइम कंज्यूमिंग। जितना टाइम आप प्लान करने में लगाते हैं, मान लीजिए अगर 5 साल का प्रोजेक्ट है तो आपको 6 महीना प्लान करने में लगता है, तो वो 6 महीना डायरेक्ट बहुत लोग कहते हैं कि काम में लगाया जा सकता था। तो प्लानिंग इज टाइम कंज्यूमिंग, इट रिक्वायर्स द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, एनालाइजिंग,
एक्स्ट्रा मैन पावर, आपको अलग से लोग भी लगेंगे जो आपका ये काम करेंगे, रिसोर्सेस ढूंढना, उनको एनालाइज करना, कैलकुलेशन करना। तो वही है कि एक्स्ट्रा मैन पावर एंड रिसोर्सेज में भी आपको कंप्यूटर लग सकती हैं, डिवाइसेस लग सकती हैं, पेन कॉपी ये सारी चीज लगेंगे, बोर्ड लगेंगे, पीपीटी बनाना होगा। तो इसलिए इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, इट इज टाइम कंज्यूमिंग। That's all for this video. If you are new here, consider subscribing the video. I make videos for mechanical engineering undergraduates or to be general undergraduates. You must find something new on my channel, so consider subscribing. You won't regret it, I promise.